वन वेलकम बैक टू माई चैनल वे टू इंग्लिश लिटरेचर। टुडे वी विल स्टार्ट द फोर्थ पार्ट ऑफ सीरीज रॉटलेज हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश एंड दिस इज़ वेरी यूजफुल वीडियो फॉर योर NTA NET वीडियो टिल द एंड। इफ यू वॉन्ट इंफॉर्मेटिव फ्रॉम दिस पार्ट तो पूरा वीडियो देखिए एंड इट विज रियली हेल्प यू इन योर एग्जाम। बिफोर सिटिंग इन NTA NET एग्जाम आई हैव रिवाइज दिस बुक 7 टाइम। सो मैं इसे बता सकती हूँ कि क्या पार्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या स्किप करना है। इससे मैंने नोट्स भी बनाए थे अपने, और रियली जब एग्ज़ाम से पहले उसमें हाईलाइट पार्ट या अंडरलाइन पार्ट भी करके जाओगे तो याद रहेगी बुक। और कम से कम 5 बार तो पढ़ी है इस बुक को अगर GRF निकालना चाहते हो तो। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे फॉर्म होते हैं NTA NET में, तो इस बुक्स में से जो क्वेश्चन बनते हैं फ्रेम हुए हैं वो मैंने बताए भी हैं आपको स्टार्टिंग में। और लिटरेरी नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ब्रिटिश लिटरेचर पार्ट सबको पता है बहुत ट्रिकी पार्ट है, और कम से कम 90% ऑफ पेपर ऑफ इंग्लिश इज़ कवर्ड विद ब्रिटिश लिटरेचर, सो यू विल अंडरस्टैंड द डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पार्ट, जियोफ्री चौसर फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये लाइन दी हुई है, इफ नो लव इज ओ गॉड वॉट फील आई सो। सो ये जो अब यहाँ से पता कर सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो, एक तो लव जो वर्ड है वहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये वर्ब कहाँ से, ट्रोलेस एंड क्रिसीड। अब क्या लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में, चौसर यूज्ड वाइड रेंज ऑफ द कल्चरल रेफरेंस फ्रॉम द थ्रू आउट यूरोप। तो ये वाइड रेंज जो दिया हुआ है, ये वाइड रेंज का मतलब क्या है? तो इस बुक का मैं आपको बता सकती हूँ, चौसर को कंप्लीट किया था मैंने कैंटरबरी, क्योंकि कैंटरबरी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली एग्ज़ाम में, या फिर उनकी लाइंस आ जाती है, कैरेक्टर्स आ जाते हैं, पता भी नहीं चलता, कुछ भी क्वेश्चन दे देते हैं वही नेट में। तो वाइड रेंज तो है ही, दरअसल है ही, तो कैसे कंप्लीट करेंगे? वाइड रेंज का इसलिए बोल रहे हैं कवि, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वाइड रेंज, क्योंकि फ्रेंच, इटालियन एंड इंग्लिश, इनसे इंस्पायर होकर चौसर ने अपना करियर सेट किया, और 3 पीरियडिकल एज में डिवाइड हुआ है ये। तो इसकी पिक्चर मैं आपको इधर अटैच कर दूंगी, इसकी पिक्चर। और इफ़ यू वांट टू बाय दिस बुक स्पेशली, ये पूरा इसमें कैंटरबरी टेल को क्रिटिकली पूरी पोइट्री दी हुई है, और पूरा पढ़ सकते हो, पीछे आंसर पूरा ये दिया हुआ भी है, एक एक लाइन वाइज के डिटेल एनालाइज दिया हुआ है कैंटरबरी टेल का। तो यू कैन बाय दिस बुक, आई विल गिव यू द लिंक ऑफ दिस बुक। ओके, जब इसे आप पहली बार पढ़ोगे तो ऐसे वर्ड्स पे आप फोकस करना, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है वाइड रेंज ऑफ कल्चरल रेफरेंस, तो कल्चरल का मतलब यहाँ पे ही हो गया, उन्होंने बहुत ज़्यादा कल्चरल इफेक्ट, जैसे सबसे पहले वो इन्फ्लुएंस हुए थे फ्रेंच लिटरेचर से, फिर बाद में उन्होंने इटालियन लिटरेचर से भी इन्फ्लुएंस होकर अपने वर्क्स लिखे, जैसे फ्रेंच से हुए थे जैसे रोमेंट ऑफ रोज़, ये रोमेंस ऑफ रोज़ वर्क लिखा इन्होंने। फिर इन्होंने एक और बुक लिखी द बुक ऑफ डचेस, तो ये फ्रेंच वर्क से इंस्पायर होकर लिखा था। फिर इन्होंने इंग्लिश में लिखा जो कि फेमस वर्क है कैंटरबरी टेल। तो ऐसे ही बात पर नेट पर फोकस करता है। फिर यहाँ से हम पढ़ेंगे, द चौसर वॉज द प्रोफेशनल कोर्टियर, अ काइंड ऑफ सिविल सर्वेंट, तो सिविल सर्वेंट थे ये, एंड हिज राइटिंग इज़ द साइड लाइन रादर दैन अ वोकेशन। तो राइटिंग जो इनका था वो एज अ साइड लाइन था, फिर बाद में इन्होंने फुल टाइम लिया, क्योंकि फर्स्टली और ही वॉज बॉर्न इन टू द फैमिली ऑफ वाइन ट्रेडर, तो रिच फैमिली में बॉर्न हुए थे, वाइन ट्रेडर थे इनके फादर, और दस दैट द क्लास ऑफ न्यू वेल्दी सिटी जेंटलमैन, ठीक है, तो वेल्दी क्लास थी, तो उस वजह से इनका जो इन्फ्लुएंस था वो अदर कंट्री से भी पड़ा। हिज वर्क टुक हिम टू द कैंट, कैंट में वो गए थे अपने वर्क के लिए, अप्रेंटाइज के लिए। सो इन फ्रॉम 1386 तक पार्लियामेंट के लिए इन्होंने वर्क किया था कैंट में, तो वहाँ से इनको इन्फ्लुएंस हुआ टू द फ्रांस, एंड ट्वाइस गॉन टू द ट्रैवल के लिए इटली में गए थे फ्रांस में। तो देखो दोनों का इन्फ्लुएंस मिलेगा इनकी राइटिंग में हमें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अब यहाँ पर फोकस करो, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द राइटर सच एज डांटे, पेट्राक एंड बेकेशियो, तो इनसे अक्वेंटेंस का मतलब इनसे इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने अपने वर्क में डांटे, जैसे डांटे से ड्रीम विजन इन्होंने लिखा है, और एक हाउस ऑफ फेम है जो डांटे पर मॉडल है इनकी पोएम, तो ऐसे ही जो मॉडल जिस पर पोएम इनकी पोइट्री मॉडल है, तो बेकेशियो से भी इंस्पायर होकर इन्होंने वर्क लिखा है, तो ऐसे याद रख रहे हैं। फर्स्ट वर्क जैसे कि दिया हुआ इसमें द बुक ऑफ डचेस, ये आप पहले बुक को कर लो कंप्लीट, फिर उसके बाद यूज़ करो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको रिमेंबर करने की कोशिश करो, फिर उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा बुक है, एक्स्ट्रा सोर्स है, जैसे मेरे पास कैंटरबरी टेल है, तो उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट दिया हुआ है, तो वहाँ से भी कवर कर लो।
अगर आपके पास विलियम जे लॉन्ग है तो फिर वो भी कर सकते हो, एज अ क्लियर आपका जो पिक्चर है माइंड में। कि मुझे कई बार ये होता है कि हम यहाँ से पोइट को, जैसे मैं जियोफ्री चौसर को यहाँ से कवर कर रही हूँ, पर फिर भी कई स्टूडेंट के माइंड में होता है कि ये अधूरा है। तो ऐसा नहीं सोचना, उस अगर ऐसा लग रहा है कि अधूरा है तो गूगल का यूज़ करो। फिर गूगल का यूज़ कर सकते हो, वो हेल्प करेगा, वो सप्लीमेंट करेगा आपकी नॉलेज को, और आपके मन में जो डाउट है वो डाउट भी नहीं रहेगा। तो फर्स्ट बुक है इनकी द बुक ऑफ डचेस। ये जो वर्क है इट इज़ द ड्रीम पोइट्री, ड्रीम विजन में लिखी गई है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डेथ ऑफ ब्लांचे। तो ब्लांचे है क्या? ब्लांचे जो वर्ड ब्लांचे है वो रियली क्या है? तो ये एक जो हाउस ऑफ रॉयल की डॉटर थी ब्लांचे, उन्होंने शादी की थी जॉन गॉन्ट से। अब जॉन गॉन्ट है वो किसके सन है? एडवर्ड थर्ड के। अब जो डॉटर ऑफ ब्लांचे, उन्होंने ही गिव बर्थ टू बॉय चाइल्ड, हिज नेम इज़ हेनरी फोर्थ। तो ऐसे इनकी कहानी है, थोड़ा हिस्टोरिकल पता चल गया पीछे का, अब हमें याद रहेगा कि ब्लांचे है कौन, उसकी डेथ हुई, वो किसकी वाइफ है? जॉन गॉन्ट की वाइफ है, जो कि क्या है? सन ऑफ किंग एडवर्ड थर्ड, और शी गिव बर्थ टू हेनरी फोर्थ। तो इतना पता चल गया आपको बैकग्राउंड। तो इनकी डेथ हुई थी ब्लांचे की इन 1368। तो शी इज़ द डचेस ऑफ लैंचेस्टर, डचेस ऑफ लैंचेस्टर कहलाती थी, एज द वाइफ ऑफ जॉन गॉन्ट। इट इज़ द पोएम ऑफ ये पोएम, अब यहाँ से देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द पोएम ऑफ कंसोलेशन। तो ऑप्शन में आ सकता है कि इस ये किस टाइप की पोएम है, यहाँ पे टाइप ऑफ पोएम दिया हुआ है, एंड मॉडल ऑन द फ्रेंच। ओके, तो ये लाइन्स दी हुई है, शी इज़ डैट, नो, यस माई ट्रोथ, मतलब ट्रुथ, इज़ दैट योर लॉस बाय गॉड, दैट इज़ रोथ। तो इसका रोथ का मतलब क्या है? पिटी। तो ये ओल्ड लैंग्वेज में दिया हुआ है, यहाँ पे ओल्ड लैंग्वेज के वर्ड्स भी होंगे। द सिंप्लिसिटी एंड द डायरेक्टनेस ऑफ इमोशन इज सोन बाय पोइट। इस बहुत सिंपल पोएम है और इमोशंस के साथ है। द हैंडलिंग ऑफ डायलॉग, तो इसमें किसके दिए हुए हैं? डायलॉग दिए हुए हैं जॉन गॉन्ट, जो कहना चाहते हैं अपने इमोशन से, किससे कहलवा रहे हैं? चौसर के द्वारा कहलवा रहे हैं अपना इमोशन। शो द चौसर्स कैपेसिटी टू ब्रिंग लैंग्वेज, सिचुएशन, इमोशन टुगेदर इफेक्टिवली। तो ये हमने पढ़ लिया बुक ऑफ डचेस के बारे में। नेक्स्ट पोएम द हाउस ऑफ फ्रेम, इट इज़ द अनदर ड्रीम पोएम। तो अब दो पोएम हो गई, एक तो बुक ऑफ डचेस एंड हाउस ऑफ फेम, तो ये भी ड्रीम विजन है। दिस टाइम इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय इटालियन पोएट डांटे। तो ये डांटे से इन्फ्लुएंस है। इट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट द डांटे एपिक जर्नी टू पैराडाइज, पुर्गेट्री एंड हेल। तो ये जो तीन है, पैराडाइज, पुर्गेट्री एंड हेल, ये डांटे ने अपनी एपिक वर्क द डिवाइन कॉमेडी में पूरा ये जर्नी बताई है। तो ये जो जर्नी बताई है वो अब हाउस ऑफ फेम में सेम जर्नी जो मॉडल है डांटे के एपिक डिवाइन कॉमेडी पे बताई गई है, बट इट इको इन इंग्लिश। पर वो किस में है? इंग्लिश में है, इको इन इंग्लिश। हियर द चौसर बिकम अ पार्टिसिपेंट इन हिज ओन राइटिंग। तो चौसर भी क्या बन जाते हैं? एक कैरेक्टर बन जाते, एक पार्टिसिपेंट बन जाते। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट अगर आ गया तो यहाँ पर याद रखना है। ही इज़ द इंजीनियस पोएट हु इज़ विजिट द लैटिन पोएट ओविड। मतलब इन्होंने अपने आप को कहाँ, इसमें जो कैरेक्टर थे चौसर, वो कहाँ जाते हैं? विजिट करते हैं ओविड के हाउस ऑफ फेम में। तो यहाँ पर भी अंडरलाइन कर सकते हो, ओविड के हाउस ऑफ फेम में टू लर्न अबाउट लव। किस वजह से जाते हैं? क्योंकि लव के बारे में जानने के लिए। ही ब्रिंग्स टूगेदर द एस्पेक्ट ऑफ लव विच विल बिकम द फ्लुएंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोएट थ्रू आउट द एज। तो इस वजह से सब्जेक्ट मैटर क्या बन जाता है इस वर्क का? लव। क्यूपिड एंड वीनस, पैशन एंड डिज़ायर, इनोसेंस एंड नॉलेज, ऑल आर इवोक। इस पोएम में किसको इवोक? तो ठीक है, इस पोएम में भी हमें इवोकेशन मिलेगा, जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट में हमें मिलता है म्यूज का इवोकेशन। तो इस पोएम में इन कैरेक्टर का इवोक किया है राइटर ने, यूजिंग द न्यू वर्ड्स फॉर्म इनटू द राइम रॉयल स्टैंजा। ठीक है, तो चौसर ने राइम रॉयल कॉइन किया था एंड इस फॉर्म में लिखी गई है पोइट्री को। तो ये भी अनदर की पॉइंट है। द नेम डिराइव फ्रॉम इट्स लेटर यूज बाय द स्कॉटिश किंग जेम्स फर्स्ट इन हिज किंग स्क्वायर। अब देखो ये जो राइम रॉयल है ना, इसके बारे में बोल रहे हैं कि ये जो राइम रॉयल के बारे में हम किसकी पोइट्री में, जेम्स फर्स्ट की पोइट्री में किंग स्क्वायर के बारे में आगे और पढ़ेंगे इस स्टैंजा के बारे में। ठीक है, तो ऐसे एक्स्ट्रा जो होते हैं उस पर अंडरलाइन कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, थोड़ा रिमेम्बर रखने के लिए।
आपके दिमाग में अपने आप से क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि ये जो राइटर है किंग जेम्स वर्स्ट, ये किस ग्रुप चौसरियन पोइट के ग्रुप के अंदर आता है? इंग्लिश चौसरियन के अंदर आता है या स्कॉटिश चौसरियन पोइट के अंदर आता है? तो यहाँ पर सिग्निफाई क्यों किया है ये कि जेम्स फर्स्ट ने चौसर की, जो चौसर ने इंट्रोड्यूस किया है राइम रॉयल, उसको एम्प्लॉय किया है अपने वर्क में क्विंग स्क्वायर। तो और राइम रॉयल इट इज़ रिटन इन 7 लाइन, इसका जो फॉर्म है वो 7 लाइन में लिखी गई है, इन द आयम्बिक पेंटामीटर के फॉर्म में लिखी जाती है, जो कि इंट्रोड्यूस की थी इंग्लिश में बाय चौसर। द सब्जेक्ट ऑफ लव इज़ टेकन अप अगेन इन चौसर्स ग्रेटेस्ट पोएम बिफोर कैंटरबरी टेल, जैसे कि लव थीम था जिसमें ट्रॉलिस एंड किसीड में एंड लेजेंड ऑफ गुन वीमेन, इन दोनों वर्क्स में हमें लव थीम या सब्जेक्ट देखने को मिलता है। द फर्स्ट टेक द इटालियन राइटर बेकेशियो एज इट्स सोर्स, तो मतलब इटालियन राइटर कौन से थे जिनसे अपना सोर्स लिया, वो थे बेकेशियो। इंस्पायरिंग फ्रॉम द बेकेशियो सोर्स, तो वहाँ से इन्होंने राइटर ने लिया था क्लासिकल ट्रोजन वॉर स्टोरी। इटालियन पोइटिक वर्जन से इन्होंने स्टोरी से एक वर्क, ए 6th century फिलोसॉफिकल वर्क दैट इज़ नोन एज बोथेसियस द कंसोलेशन ऑफ फिलोसफी, इसको ट्रांसलेट किया है चौसर ने। सो 6th century का ये फिलोसॉफिकल वर्क है बाय बोथियस। देन वी विल सी इफ द चौसर हैव नेवर गोन टू राइट कैंटरबरी टेल एंड ट्रॉलियस एंड क्रिसीड, इट वुड रिमेन एज द वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग पोएम इन द यूरोपियन लिटरेचर ऑफ द मेडिवल पीरियड। ठीक है, तो सबसे लॉन्गेस्ट और बहुत इंपॉर्टेंट वर्क माने जाते हैं ये दोनों। एंड द ट्रॉलिस और क्रिसीड को तो हम ये भी जाना जाता है द फर्स्ट मॉडर्न नॉवल। तो आपको इस बुक से पता चलेगा कि ट्रॉलिस और क्रिसीड से हमें इट इज़ द फर्स्ट मॉडर्न नॉवल। और अगर हम गूगल पे भी सर्च करेंगे तो गूगल पे फर्स्ट मॉडर्न नॉवल जे स्टोर और जैसे फिलोसफर रिसर्च की साइट से वहाँ पर इसको कंसिडर्ड किया है, पर एक्चुअली में जो माइकल डी कॉन्वेक्स है उनकी डॉन क्यूजिटो है नॉवल, उसको भी फर्स्ट मॉडर्न नॉवल भी बोलते हैं, उस वर्क को भी हम फर्स्ट मॉडर्न नॉवल बोलते हैं इन इंग्लिश। ऑल दो द चौसर रिमाइंड अस द डिस्क्रिप्टिव कैपेसिटी बोथ इन द टर्म ऑफ कैरेक्टर एंड सीन, तो चौसर ने डिस्क्रिप्टिव वे यूज़ किया है। चौसर यूज़ द ऑल्सो टेक्निक ऑफ ऑथर टेक्निक, जो कि रीडर को क्या करता है, टू रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई करवाता है उस सीन से। चौसर दीज वर्ड्स ऑफ द ट्रॉलियस सच एज ऑन द जॉय एंड पेन ऑफ लव, तो ये जो वर्क्स हैं नीचे दिए हुए हैं वो क्या सिग्निफाई करवाते हैं हमें, जॉय एंड पेन ऑफ लव। इन दिस लाइन राइटर इज़ यूजिंग डायरेक्ट यूज ऑफ इंटरटेक्चुअल रेफरेंस कोटिंग फ्रॉम द पेट्रार्क, इफ नो लव इज ओ गॉड व्हाट फील्ड आई सो, तो ये स्टार्टिंग में लाइन हमने देखी थी पेट्रार्क की लाइन्स और कोट की है ट्रॉलेस एंड क्रिसीड में। एंड इफ लव इज, लव इज वॉट थिंग एंड विच इज ही, इफ लव बी गुड फ्रॉम वेयर एंड कम माई वो, तो ठीक है ये ऐसे लाइन दी हुई है, इसको गो थ्रू करिए एक बार, इस लाइन को पढ़िए बुक, और ये बुक जिसके पास नहीं आप ऑनलाइन भी रीड कर सकते हैं इसे। दिस थीम ऑफ जॉय एंड पेन ऑफ लव बिकम द मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट थ्रू द चौसर राइटिंग। अब लेजेंड ऑफ गुड वीमेन फॉर एग्जाम्पल, ही टेक अप द अवेयरनेस दैट द क्रिसीड हु इज़ द सिम्बल ऑफ इनकंसिस्टेंसी, यहाँ पर जो है क्रिसीड वो किसका सिंबल है, इनकंसिस्टेंसी का, एंड हैज़ फॉलोड द विशेज ऑफ मैन एंड अटैम्प्ट टू रिट्रेस द बैलेंस इन द वीमेन्स फ्लेवर। अच्छा, तो अब क्या हुआ था, यहाँ तक मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो अपने वर्क में चौसर ने क्रिटिसाइज़ किया है वीमेन कैरेक्टर को थ्रू द क्रिसीड कैरेक्टर से, तो चौसर अब ऐसा कुछ वर्क लिखना चाहते थे जिसमें वो वीमेन की सारी वर्च्यूज़, सारे जिन्होंने बहुत ट्रुथनेस वो दिखाना चाहते थे, क्योंकि वो बैलेंस करना चाहते थे। तो उन्हें एक ड्रीम विजन आता है, ड्रीम आता है बाय द म्यूज, बाय द गॉडेस ऑफ लिटरेचर दैट ही हैव रिटर्न। चौसर ने बहुत सारे ऐसे वर्क लिखे हैं जो कि क्रिटिसाइज़ करते हैं लेडी को या वीमेन कैरेक्टर्स को, तो इसलिए इन्होंने एक ऐसा वर्क लिखा है लेजेंड ऑफ गुड वीमेन के द्वारा, ऐसा वर्क लिखना चाहते हैं जो वर्क सिग्निफाई करेगा द वर्च्यूज ऑफ वीमेन। सो इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट द फीमेल ऑडियंस आर कंसिडर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ वीमेन हु डाइड फॉर लव, तो इसलिए इन्होंने इस वर्क में वो उन वीमेन के बारे में लिखा है जो फेथफुल थी इन देयर लव। तो ये जो पोएट्री है वो लिखी गई है हीरोइक कपलेट में,
एंड इज डिस्क्राइब द सम ऑफ फेमस क्लासिकल वीमेन हु सेक्रीफाइज देमसेल्फ फॉर लव। तो ये याद रखो, हीरोइक कपलेट में लिखे गया है ये वर्क। अब देखो यहाँ पे लाइन दी हुई है, एंड क्लियोपात्रा विथ ऑल दाय पैशन हाइड ये योर ट्रुथ ऑफ लव एंड योर रीनोन एंड दाउ तिस्बे। तिस्बे क्या है? अब देखो क्लियोपात्रा, तिस्बे, ये सब लेडीज़ हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है अपने आप को इन द पेन ऑफ लव।